हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ब्रोक 96। और आज रिव्यू करने वाले हैं जावा 42 का। ये भाई आप जो सामने देख रहे हो, ये न्यू कलर्स हैं जावा के, न्यूली लॉन्च बाइक्स हैं। और इनके अंदर चार कलर आप लोगों को मार्केट में अब आगे आगे देखने को मिलने वाले हैं। और आज इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस इनमें की हुई है, तो आज वही बताने वाला हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रंट में आपको हाइलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आपको बल्ब टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन की बात करता हूँ तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको मेटल का मड़गार्ड कंपनी प्रोवाइड करती है, जावा क्वालिटी का शुरू से ही ध्यान रख के चल रहा है। साथ ही साथ 280 mm का डिस्क मिलता है फ्रंट में आपको, ड्यूल चैनल ABS के साथ में। अलॉय व्हील यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। MRF के ट्यूबलेस टायर यहाँ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर टायर साइज की बात करता हूँ, 90x90 R18 का यहाँ आपको फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। बात करता हूँ मीटर कंसोल की, यहाँ आपको दोनों ही फैसिलिटी मिलती है, एनालॉग एंड डिजिटल। साथ ही साथ आपको मीटर कंसोल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि लो बैटरी इंडिकेटर, इंजन लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, ABS लाइट और डिजिटल फ्यूल मीटर। काफ़ी सारी चीज़ें आपको आपके मीटर कंसोल के अंदर ही देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर कंट्रोलिंग की बात करता हूँ आपके कंसोल की, तो सारी की सारी कंट्रोलिंग आपको लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपना पूरा कंसोल जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। हैंडलिंग की बात करता हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल हैंडलिंग जावा शुरू से ही देता है और इस बार भी काफ़ी कंफर्टेबल हैंडलिंग है। मिरर्स अब की बार आपको चेंज कर दिए हैं कंपनी ने, पूरा मिरर्स चेंज है आपका। कलर की बात करूँ तो भाई कॉपर कलर बहुत ही ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव लुक दे रहा है इस बाइक को। साथ ही साथ अगर फ्यूल टैंक की बात करते हो, 14 लीटर का यहाँ आपको फ्यूल टैंक कंपनी प्रोवाइड कर रही है। पहले से ज़्यादा चौड़ी सीट यहाँ आपको मिलती है और पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल सीट यहाँ पर आपको देखने को जावा के अंदर मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ, 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि पहले से काफ़ी बढ़ा दी है। तो अब आपकी बाइक को नीचे से जो है अड़ने का आपका डर खत्म, अब आपकी बाइक नीचे से नहीं लगेगी, तो आप और भी ज्यादा कंफर्टेबल राइड अपनी बाइक पे कर सकते हो। इंजन की बात करता हूँ, 293 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड FI इंजन मिलता है यहाँ आपको, जो कि 27.32 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। 26.84 Nm का टॉर्क, सेल्फ स्टार्ट ओनली आपको मिलता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। और जो लुक इस बार दी हुई है आपके रेडिएटर की और इंजन गार्ड की मिला के, जो लुक कंपनी ने दी है वो काफ़ी क्लियर लुक है और बहुत प्रीमियम यहाँ पर बाइक का इंजन इस बार लग रहा है। सिंगल हॉर्न यहाँ आपको बाइक के अंदर देखने को मिलता है। काउल की बात करूँ, पहले से बहुत ही सुंदर काउल बना दिए हैं और जावा की ब्रांडिंग यहाँ आपको मिलती है। बहुत ही प्यारी लुक है साइड की भी भाई बाइक की। रियर सस्पेंशन की बात करता हूँ तो गैस हाइड्रोलिक सस्पेंशन रियर के अंदर कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ बात कर लेता हूँ इनके एग्जॉस्ट की, भाई एग्जॉस्ट की लुक ऑसम है। फुल्ली ब्लैक एग्जॉस्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाता है बाइक के अंदर, जो कि बहुत ही जबरदस्त लुक देता है। रियर के डिस्क की बात करता हूँ तो रियर में भी आपको 280 mm का डिस्क कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो पहले से अच्छी ब्रेकिंग आपकी रहने वाली है भाई। और टायर साइज की बात करता हूँ तो 120x80 R70 का टायर साइज आपको यहाँ पर रियर में मिलने वाला है। बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल बाइक की बहुत ही प्यारी है और रियर के अंदर आपको बल्ब टेल लाइट मिलती है और काफी प्यारी यहाँ पर लुक मिल जाती है। और भाई इस समय दो कलर मेरे सामने खड़े हुए हैं और दोनों ही कलर बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो दोनों ही कलर की लुक बड़ी प्यारी है। और कर्व वेट की अगर बात करता हूँ, 172 kg का कर्व वेट मिलता है आपको यहाँ पर, और 2,44,000 का एक शोरूम प्राइस बाइक्स का मिल जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।